हेलो क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट चैप्टर बेटा 23 पिक्टोग्राफ। देखिए पिक्टोग्राफ है क्या, जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था डाटा हैंडलिंग, उसमें जो डाटा दिया था, जो इन्फॉर्मेशन दिया था, उसको नंबर के फॉर्म में अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में फिर टेबल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। पिक्टोग्राफ में क्या है, हम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर के थ्रू, पिक्चर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करके समझाएंगे, तो वो पिक्टोग्राफ में आता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है, द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय योर शॉप ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो। देखो एक हफ्ते में कितने बैट बेचे गए शॉपकीपर के थ्रू, वो दिया हुआ है। डेज दिया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और नंबर ऑफ बैट सोल्ड कितने बिके हैं, मंडे को 20 है, ट्यूसडे को 12, वेडनेसडे को 24, थर्सडे 32, फ्राइडे 8, सैटरडे 16। अब इस डाटा को आपको रिप्रेजेंट करना है पिक्चर के फॉर्म में। ड्रॉ पिक्टोग्राफ, देखिए लिखा हुआ ना ड्रॉ पिक्टोग्राफ, तो उसको ड्रॉ करना है हमें पिक्चर के फॉर्म में। यहाँ पे बताया है कि वन बैट जो स्केल लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले स्केल लेंगे कि वन बैट जो है वो फोर बैट्स के बराबर होगा, यानी एक बैट ड्रॉ करेंगे तो मतलब इसका फोर बैट्स होगा। क्यों फोर बैट्स लिया गया है, क्योंकि ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं आपको 20, 12, ठीक है 24, 32, 8, 16, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो फोर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा ही स्केल लेना है जो इन सभी नंबर्स को, जो भी गिवन नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर सके, इसलिए हम स्केल को फोर लिए हैं। तो फोर जो है वो सभी को डिवाइड कर पा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ स्केल लेना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऐसे ही जैसे टेबुलेशन करते थे वैसे ही अब पिक्टोग्राफ के लिए क्या करेंगे, डेज राइट कर देंगे एक तरफ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड कितने बैट्स बिक गए हैं वो राइट कर दिया। ये जो राइट किया गया है ना, ये आपको मैं समझाऊंगा, इसको आपको नहीं राइट करना, ये बस समझना है जो इधर मैंने राइट किया पेंसिल से। देखिए क्या है ये, अब आपको मैंने बताया कि स्केल है फोर, अब कितना बैट ड्रॉ करेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो आप जो भी गिवन नंबर है उसको फोर से डिवाइड करेंगे। तो जो आप फोर से डिवाइड करें 20 को, तो 4 5 20 5 आया, तो इसका मतलब आप मंडे के लिए कितना बैट बनाएंगे 5। ऐसे अगर नहीं स्केल लेंगे तो 20 बैट बनाएंगे 32, बहुत लंबा मतलब बहुत ज़्यादा पेज कवर करेगा, और आपकी इतनी बड़ी कॉपी है नहीं कि आप पूरा पूरा बनाएं, इसीलिए हम लोग स्केल लिए हैं। अब स्केल लिए हैं तो जब डिवाइड करेंगे 20 को तो 5 आ गया, 5 बैट्स बनाया गया। अब यहाँ देखो 12 को डिवाइड किया 4 से, 3 आया, 3 बैट्स बनाया गया। ठीक, अब ऐसे ही देखो वेडनेसडे को डिवाइड किया गया तो 6 बैट, 32 को डिवाइड किया 4 से तो कितना आया देखो 8 बैट्स, 8 को डिवाइड किया गया तो 2, 16 को डिवाइड किया तो 4। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं, बस ये बनाया पिक्टोग्राफ, पिक्चर बनाया, आंसर यही, आपने डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया पिक्चर के फॉर्म में। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखिए, इसमें अलग अलग आइटम्स हैं, ठीक देख रहे हैं आप, अलग अलग चीज़ें हैं। मोड ऑफ ट्रैवलिंग बाय स्कूल टू स्कूल बाय 160 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, स्कूल आने के लिए लोग जो बच्चे यूज़ करते हैं साधन, उसके बारे में दिया हुआ है। मोड देखो बाय वॉकिंग, जो पैदल चल के आते हैं वो 30 यानी 30 स्टूडेंट्स हैं। ऑन बाइसाइकिल, बाइसाइकिल यानी साइकिल से चल के आने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं। कार से आने वाले 10 और बस से आने वाले 70 स्टूडेंट्स हैं टोटल। अब आपको इसी डाटा को लेके पिक्चर ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे आइटम्स अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको स्केल लेना है ऐसा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर सके, इन सभी को डिवाइड कर सके। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम फिगर बना के रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम 10 ले रहे हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, 1 स्टूडेंट 10, 1 बाइसाइकिल 10, 1 कार 10, 1 बस 10, और ये दिखाना ज़रूरी है कि 1 स्टूडेंट का मतलब 10 है, 1 साइकिल का मतलब 10 है, क्योंकि यहाँ आइटम्स अलग अलग है ना इसलिए। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ बैट था, तो सिर्फ बैट हम लेके दिखा दिए, लेकिन यहाँ चार चीज़ें हैं और चारों चीज़ें अलग अलग हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि हम सबका अलग अलग शो करेंगे। इसका 10 भले ही हम 10 ले लिए, लेकिन सबको दिखाएंगे कि 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इस तरीके से कर लेंगे, बना लेंगे। अब इसके बाद फिर स्केल लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें ड्रॉ करना होता है। आप देख रहे हैं मोड लिख दिया वॉकिंग,
यूजिंग बाइसिकल्स, यूजिंग कार, यूजिंग बस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है। वॉकिंग यानी जितने लोग आ रहे हैं वही डिवाइड करके देखिए निकालेंगे, 30 है तो 10 से डिवाइड किया 3, 50 है 10 से डिवाइड किया 5, 10 है 10 से डिवाइड किया 1 और बस है 70, 10 से डिवाइड किया तो 7, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ऐसे ही आपको करना है, बस स्केल लेना है और ड्रॉ कर देना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल जो है इसमें बता रहा है कि आपको बना के दिया रहेगा, स्केल दिया रहेगा कि एक कंप्यूटर का मतलब 6 कंप्यूटर्स, तो वो पूरा पिक्टोग्राफ दिया रहेगा, पिक्टोग्राफ को देख के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर बताना होगा। तो सबसे पहले देखो, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने कंप्यूटर्स बिके हैं, तो काउंट करो फ्राइडे को कितने हैं, 4, और एक कंप्यूटर का 6 दिखा रहा है तो 4 × 6 टोटल 24 हो गया, ठीक है। मंडे को कितना दिखा, तो मंडे को 5 पिक्चर बने, 1 पिक्चर 6 दिखा रहा है तो टोटल 30 हो गया। टोटल कितना कंप्यूटर बिका, तो सबका निकाल लेंगे, प्लस कर देंगे सभी फिगर्स को और उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया टोटल 126। और इसमें ये भी पूछा है कि किस दिन सबसे ज़्यादा बिका है, तो उस दिन हम फिगर में देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, जैसे 6 सबसे ज़्यादा है तो 6 किस में है, थर्सडे को, तो थर्सडे को सबसे ज़्यादा बिका। अब आइए अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 23 जो है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एब्सेंट फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग अ वीक आर गिवन बिलो, ठीक, नंबर ऑफ एब्सेंटीज मतलब इतने इतने बच्चे इतने इतने दिन को एब्सेंट हुए हैं, पूरा वन वीक का दिया हुआ है। तो मंडे को 6 हुए, ट्यूजडे को 2, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 2, फ्राइडे को 8, और यहाँ पे आपको स्केल दे दिया है कि वन स्टूडेंट का मतलब 2 एब्सेंटीज, वन फिगर का मतलब 2 एब्सेंटीज, तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे जैसा कि मैंने बताया था, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो कितना कितना फिगर बनेगा ये आपको पता चल जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3, यानी इसका 3 फिगर बनेगा, इसका 1 फिगर बनेगा, इसका 2 फिगर बनेगा, इसका 1 फिगर बनेगा, इसका 4 फिगर बनेगा, समझ रहे हो ना। तो बस इसको लिखिए डेज एक तरफ, नंबर ऑफ एब्सेंटीज और फिगर बना दीजिए, बस हो गया, सॉल्व हो गया, बस यही करना है, कुछ नहीं। अभी देखे ना ये बैट वाला, जैसे ये बैट था वैसे ही सेम, और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो दिया हुआ है स्टूल है, और यहाँ बता दिया कि 1 फिगर 10 स्टूल को रिप्रेजेंट करता है, ड्रॉ करिए, तो इसमें 3 आएगा, फिर 4, 6, 5, 2, 10 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि हमें कितना स्टूल ड्रॉ करना है। तो एक तरफ लिख देंगे रूम नंबर, इधर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूल और फिर ड्रॉ कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो दिया हुआ है सिंपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास और सब्जेक्ट, ठीक, किस किस सब्जेक्ट में कितने हुए हैं, और स्केल भी दिया हुआ है तो स्केल लेने की जरूरत नहीं है, 5 दिया हुआ है, 5 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है तो एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट, एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ हिंदी ड्राइंग इस तरह लिख देंगे, इसके बाद फिर फिगर बना देंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 बनेगा, इसमें 5 बनेगा, इसमें 2 बनेगा, इसमें 4 बनेगा, ठीक। सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, मंथ लिखेंगे एक तरफ, इधर लिखेंगे नंबर ऑफ फैन सोल्ड, ठीक, सबसे पहले स्केल लिख लेंगे कि 1 फैन का मतलब 10 फैन सोल्ड है, तो पिक्चर ग्राफ ड्रॉ करिए, तो जैसे कि आपने एग्जांपल नंबर 1 जो देखा था, सबसे पहले स्केल ले लिया, इसके बाद नाउ वी मे ड्रॉ द पिक्टोग्राफ एज शोन, बस ये लिख के और ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे जो कि पिक्टोग्राफ बना हुआ है और इसको देख के हमें आंसर देना है, तो देखो यहाँ बता रहे हैं कि ईच सिंबल रिप्रेजेंट 8 ट्रीज, एक सिंबल 8 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, 8 ट्रीज, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मैंगो ट्रीज आर देयर, कितने मैंगो ट्रीज हैं, 1, 2, 3, और 8 ट्री कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 8, तो 8 × 3 = 24 हो गया। हाउ मेनी बनियान ट्री, बनियान ट्री कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 4 × 8, 4 × 8 = 32, 8 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि एक फिगर हमें 8 दिखा रहा है, तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 8 होगा, इसलिए हम 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। थर्ड देखो हाउ मेनी नीम ट्री आर देयर, नीम ट्री कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 × 8 = 40, टोटल 40 नीम ट्री है, और पूछ रहा है हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल, टोटल कितनी ट्रीज हैं, तो सबको प्लस कर देंगे, पता चल जाएगा कितनी ट्रीज हैं, ठीक, जो आया वैल्यू प्लस कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी यही करना है बाबू,
पिक्चर दिया हुआ है, इसको देख के हमें पता लगाना है। और यहाँ दिया है कि वन जो स्कूटर बना है उसका मतलब है सिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितना स्कूटर्स बिका, देखिए काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5 और एक स्कूटर 6 दिखा रहा है, तो 5 × 6 = 30। ट्यूजडे को कितना बिका, तो ट्यूजडे को काउंट करिए, 3 × 4 = 4 हुआ, तो 4 × 6 = 24 हुआ ट्यूजडे को, ठीक। ऑन वॉट डे ऑफ द वीक वॉज द सेल ऑफ द स्कूटर मैक्सिमम, सबसे ज्यादा किस दिन बिका मैक्सिमम, तो आप देख रहे हैं फिगर में सबसे ज्यादा फ्राइडे को बिका, देख रहे हैं ना, तो फ्राइडे लिख देंगे। और पूछ रहे हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, उस दिन कितना स्कूटर बिका, तो कितना दिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 × 6 = 42 स्कूटर। और से पूछ रहा है फोर्थ वाले में कि किस दिन सबसे कम स्कूटर बिका, सबसे कम, देखिए सबसे कम फिगर किस में है, सैटरडे में, तो सबसे कम किस में बिका, सैटरडे, कितना कितना बिका वो भी फाइंड करना है। तो हाउ मेनी स्कूटर्स के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना है 2 और 1 फिगर 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 × 2 = 12, ठीक है। तो ये भी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, फिनिश हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कॉपी में सॉल्व करना है ये एक्सरसाइज 23, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, बस सिंपल फिगर ड्रॉ करके ही करना है, तो आराम से इसको कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।